जानेंगे कैसी ये कार है, क्या आपको खरीदनी चाहिए, क्या ये वर्थ रखती है अपने पैसे की, इसके बारे में बात करेंगे। क्या इसकी प्राइस है, कैसे आप इसको खरीद सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। हाँ, वैसे हाल ही में कोना के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, हुंडई कोना के साथ, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस हुंडई कोना के बारे में। ये आपको बता दें, टोटली इलेक्ट्रिक SUV है। वैसे SUV टाइप ये लगती नहीं है, एक क्रॉसओवर कहा जा सकता है, लेकिन हुंडई इसे SUV के सेगमेंट में लॉन्च करी, कॉम्पैक्ट SUV मान सकते हैं। वैसे ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इसे मेरे को नहीं लगता SUV मान सकते हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी की मदद हो सके जो नई कार लेना चाह रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इस गाड़ी की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, नहीं वो सबसे लास्ट में करेंगे, आपको प्राइस इस गाड़ी की सबसे लास्ट में बताएंगे। पहले इसके थोड़े से फीचर हम देख लेते हैं, थोड़ा इंटीरियर एक्सटीरियर भी आपको जो है वो फोटो और वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इधर साइड में, या फिर पूरी स्क्रीन पे भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम बता दें कि ये जो है सिर्फ 11 सिटी के अंदर लॉन्च की गई है अभी, और इसके अंदर जो है बैटरी जो हमें मिलती है उस बैटरी के साथ हमें जो है अभी तक 8 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल रही है, विदाउट कोई एक्सटेंडेड वारंटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हमें इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर हम बता दें हमें सीट टेम्परेचर जो है वेंटिलेटेड सीट मिल जाते हैं, फुल्ली वेंटिलेटेड सीट इसके अंदर मिल जाती है। 0 to 100 जो ये कवर करती है वो 9.7 सेकंड के अंदर 0 to 100 कवर करती है, यानी पिकअप भी अच्छा है। वैसे इलेक्ट्रिक बाइक के जैसा इसके साथ कुछ हुआ नहीं है, दिखने में ये आपको इलेक्ट्रिक कार जैसी नहीं लगेगी, एक काफ़ी अच्छी जो है लग्जरी कार आपको दिखने में ही लगने के लिए होने वाली। इसकी पावर की बात करें तो पावर के ऊपर स्पेशली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके अंदर हमें जो है 136 PSP की इस गाड़ी के अंदर पावर मिल जाती है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस गाड़ी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ये तो होगी इस गाड़ी के पावर के बारे में। और इसके अंदर एक और फीचर हमें इस कार के अंदर देखने को मिलता है जो कि अभी तक इलेक्ट्रिक कार के अंदर सबसे पहली बार हमें देखने को मिला है, वो है रीजनरेट ब्रेकिंग इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। जैसे ही आप स्लोप के अंदर जा रहे हैं तो, या फिर आपको जो है मतलब कि आपको लग रहा है कि आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत है, पूरा ब्रेक आपको नहीं लेना है, हल्के हल्के आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत है, या फिर किसी स्लोप के अंदर किसी फ्लाईओवर से नीचे जा रहे हैं तो आप जो है एक लीवर इसके अंदर दिया गया, उस लीवर को पुल करके आपकी जो है गाड़ी की बैटरी को ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी जो गाड़ी को है थोड़ी सी आपकी गाड़ी की स्पीड जो है कम हो जाएगी। इसके अंदर भी जो है ब्रेकिंग के लिए भी 3 लेवल अलग अलग लेवल दिए गए हैं, कौन से लेवल से आप चार्ज करना चाहते हैं तो ये इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो है यदि आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है तो आपको सिर्फ इस गाड़ी को जो है टो करके ही लाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे इस गाड़ी की रेंज, अच्छी खासी रेंज इस गाड़ी की हमें मिल जाती है, इसके अंदर हमें मिल जाती है 452 किलोमीटर की रेंज जो है वो हमें मिल जाती है। यदि एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर हमें इतनी रेंज मिल जाती है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है ये। और इसके अलावा यदि इसकी बात करें चार्जिंग ऑप्शन की तो हमें बेसिकली इसके अंदर जो है 3 चार्जिंग ऑप्शन हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, 3 अलग अलग तरीके से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। पहला जो है इसका वो है AC वॉल माउंट है, जो आपको आपके घर के अंदर या वर्क प्लेस में आपको ये इंस्टॉल कराना होगा, जिसके अंदर आपकी दीवार के ऊपर जो है एक वॉल माउंट लगेगा, उससे आप जो है इस गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे और आपकी गाड़ी जो है तकरीबन 6 घंटे में 0 to 100 चार्ज हो जाएगी पूरी 6 घंटे के अंदर। तो ये मेरे को जो है एक प्रैक्टिकल लगता है, यदि आप जो है रात को गाड़ी को चार्ज लगा देते हैं तो इतना हो जाता है। हाँ, लेकिन यदि आपको 400 किलोमीटर से या 400-500 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है कहीं पे तो ये गाड़ी आपकी थोड़ी सी कम काम की हो सकती है, लेकिन वैसे हाँ डेली रूटीन के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए यदि आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं आराम से, 6 घंटे के चार्ज के अंदर जो है ये आपको 450 किलोमीटर जो है निकाल के दे देती है। इसके अलावा यदि बात करें तो इसका जो है एक DC चार्जिंग सेटअप भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये अभी फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है पेट्रोल पंप पे, जैसे होता है वैसे ही आपको चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर क्या है कि आप जो है इसे चार्ज कर सकते हैं 57 मिनट के अंदर, आप जो है इसे
80% तक जो है चार्ज कर पाएंगे, तकरीबन एक घंटे के अंदर जो है आपको ये दे देगी, 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको इसके अंदर मिल जाएगी, तो ये भी जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दूसरे यदि आप इसे चार्ज करते हैं इस गाड़ी के साथ, एक जो है आपको पोर्टेबल चार्जर मिलता है, उसके साथ यदि आप चार्ज करते हैं वो इनकेस ऑफ एमरजेंसी यूज़ में लिया जा सकता है, तो उसे यदि आप चार्ज करते हैं तो ये आपको 3 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर की रेंज दे पाएगी। यानी आपको यदि टोटली इसे 100% चार्ज उसी से करना है तो आपको तकरीबन 18 से 19 घंटे जो है इसे चार्ज करने में लग जाएंगे। अभी बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 25.3 लाख जो है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो अभी इंडिया के अंदर एक्स शोरूम प्राइस की ये है, तो ये प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी तो ये प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते थे। वैसे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इंटीरियर के अंदर आपको ध्यान दिया गया, कंफर्ट का ध्यान दिया गया, इसके अंदर जो है हीटेड ORVM आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, सारी चीज़ मतलब कि एकदम फर्स्ट क्लास है। बस थोड़ा सा फ्रंट ग्रिल जो है वो अजीब लगता है, अभी हमें आदत नहीं है ऐसे ग्रिल देखने की, इसके कारण से। बाकी ये गाड़ी आपको देखने में i20 के जैसी सी ही लग रही है, उतना ही रोड क्लियरेंस लग रहा है, टायर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इसके अंदर। तो अभी ये था इस गाड़ी के बारे में, आपका क्या विचार है आप हमें जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप भी प्लान कर रहे हैं कोई ऐसी गाड़ी लेने की तो आपके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। और यदि मैं आपको बता दूं, अभी जो है हाल ही में Hyundai Kona के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंदर एक कार जो है वो गैरेज के अंदर खड़ी खड़ी ब्लास्ट हो गई है, ऐसा उसके बारे में अभी चल रहा है। Hyundai कह रही है कि वो जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या हुआ है कैसे हुआ, जैसे भी होता है तो हमारे आने वाले वीडियो में जानने को मिल ही जाएगा। तो हाँ, ये ऐसा कुछ हुआ है, कुछ इशू आया है, यदि जब भी नहीं कारें आती तो ऐसा कुछ इशू नई टेक्नोलॉजी के अंदर हमें एक दो बार देखने को मिल सकता है। देखते हैं Hyundai इसे फिक्स कर पाती है, कैसे फिक्स कर पाती है। वैसे Hyundai का कहना है कि वो इंडिया के अंदर जो है अपनी 120 डिलीवरीज जो हैं वो कर चुके हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से ही आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब करने के पास जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा और पास में आने वाले ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।